पहला स्टॉक क्वेरी कौन सा है सर मेरे पास एमएमटीसी के 1000 शेयर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 53.80 एंड सर मैं क्या करूं आप मुझे एडवाइस दीजिए सर ये एमएमटीसी क्यों लिया था मैम पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए रखने के लिए लिया था या कुछ ट्रेडिंग का मन था जी हां सर नहीं सर लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था क्यों डिसाइड किया एमएमटीसी लॉन्ग टर्म के लिए <laughs> क्यों डिसाइड किया एमएमटीसी लॉन्ग टर्म के लिए मतलब आपने कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा तभी डिसाइड किया ना जी हां हाँ। सर एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड ही डिस्कस करते हैं हाँ। और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम शेयर्स लेते हैं तो भी राजेश सर दोनों ने डिस्कस करा और दोनों ने डिसाइड किया कि एमएमटीसी लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया होल्डिंग है आपका क्या मानना है और 7.5 रुपए का लॉस हो रहा है क्या करें देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म मींस लॉन्ग टर्म के लिए ए, अच्छा है क्योंकि एसेट्स बहुत है खास करके रियल स्टेट्स एसेट बट अगर कामकाज देखेंगे ना तो कई तिमाहियों से लॉस में चल रही है ट्रेडिंग की कंपनी है और ऐसा कोई उम्मीद भी नहीं है कि बहुत जल्दी मुनाफे में आएगी तो मैं समझता हूँ कहीं भी उछाल आए निकल जाए क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्ले है कब डिसवेस्टमेंट होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता नब्बे परसेंट के सरकारी होल्डिंग है इसमें तो से बी रूल के अनुसार कहीं भी इनको थोड़ा सा लिक्विडेट भी करना पड़ सकता है वो वेर हैंग भी है तो बेहतर होगा उछाल में निकलने की कोशिश करें इक्यावन बावन रुपया कल ही सुबेरे में अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो इक्यावन रुपये के भाव थे आ, कहीं भी इक्यावन बावन का भाव मिले तो निकलने की कोशिश करें इक्यावन बावन मतलब आपकी खरीद के आसपास कहीं भी पहुंचे तो एग्जिट करने का मन बनाइएगा मैम इस स्टॉक से इस बीच में ताज